हाय गाइज, मेरा नाम है राजीव पांडे। मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में वेरिएबल टाइप ऑफ डायोड। वेरिएबल टाइप ऑफ डायोड में हमने आपको क्या पढ़ा रखा है? पावर डायोड, जिनर डायोड, वैरेक्टर डायोड हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है। हम आपको पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इन सब को पढ़ सकते हैं। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि व्हाट इज़ लाइट इमिटिंग डायोड, LED। LED क्या होता है? सबसे बड़ी बात है कि LED क्या होता है। LED आजकल हमारे जीवन में क्या है, बहुत उपयोगी हो गया। हम देखते हैं घरों में क्या होता है कि हमारा बल्ब लगा होता है, वो भी एक LED होता है। जबकि क्या होता है कि हम सब LED का बहुत ही यूज करते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन में भी होता है, डिजिटल वॉच भी आते हैं उसमें कुछ होता है। LED आजकल ज़्यादा यूज होने लगे हैं सभी जगह। तो क्या होता है कि लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में यूज किया जाता है। ये भी क्या होता है, एक एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे सभी पीएन जंक्शन डायोड क्या होते हैं, कुछ जर्मेनियम कुछ सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। लेकिन ये जर्मेनियम सिलिकॉन से नहीं बनाया जाता, क्यों? क्योंकि अगर हम जर्मेनियम सिलिकॉन से बना दें तो जर्मेनियम सिलिकॉन से जो होती है ऊर्जा ज़्यादा क्या हो जाती है, जो जर्मेनियम सिलिकॉन का होता है उसमें जो संधि पर क्या होती है ऊर्जा, वो क्या होती है ऊष्मा के रूप में ज़्यादा निकल जाती है। जबकि क्या होता है, प्रकाश के रूप में कम निकलता है, प्रकाश के रूप में नहीं निकलता। इसी प्रकार से क्या होता है कि इसको हम क्या करते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन से नहीं बनाते हैं। और हम किससे बनाते हैं इसको भी हम आगे आपको बताएंगे। पहले आप जान लीजिए कि क्या होता है कि इसका शुरुआत किसका शुरुआत, प्रायोगिक तौर पर LED का हम उपयोग कहाँ किए थे, 1962 में क्या हुआ था, शुरू हुआ था 1962 में शुरू हुआ था। और ये पहले जो LED 1962 में बनी थी वो क्या करती थी, वो प्रारंभ में ना जो LED बनी थी वो LED की तीव्रता भी कम थी और ये लाल प्रकाश मतलब लाल लाइट देती थी, लाल प्रकाश देती थी, बहुत हल्का तीव्रता देती। लेकिन आज के युग में क्या हो गया है कि ये मतलब वेरिएबल मतलब अनेकों वेवलेंथ विभिन्न प्रकार के क्या आ गए हैं, विभिन्न प्रकार के वेवलेंथ के क्या आ गए हैं, LED आ गई हैं विभिन्न प्रकार के वेवलेंथ के। तो हमें क्या होता है, इससे किसी भी प्रकार की क्या होती है लाइट और किसी भी प्रकार का कलर हमें निकालना आसान हो जाता है। और ये के क्या करता है, हम इसे फॉरवर्ड डायोड में यूज करते हैं। ये तो आपको पता ही है। लेकिन इसका सिंबल आप देख लीजिए, सिंबल इसी प्रकार से होता है जैसे एक सिंपल डायोड। तो क्या होता है, इसके यहाँ से जो जंक्शन होता है वहाँ से क्या होती है लाइट निकलता है। और समानता LED को बनाने के लिए जर्मेनियम सिलिकॉन तो हम यूज़ नहीं करते हैं, आपको बता दिया। लेकिन क्या यूज करते हैं अब इसे भी बता देंगे, क्योंकि इसे क्यों नहीं यूज करते हैं ये बता दिया कि क्योंकि ये जो होता है इसमें ऊर्जा जो होती है ऊष्मा के रूप में ज़्यादा निकल जाती है, प्रकाश के रूप में कम निकलती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ जैसे नए क्या होते हैं कुछ नए अर्धचालक यूज करते हैं। जैसे उसके हम क्या करते हैं मतलब दो अर्धचालक का हम एक में क्या करते हैं मिक्सिंग करके उसे बनाते हैं। जैसे क्या होगा, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, फिर क्या हो गया गैलियम फास्फाइड हो गया, फिर गैलियम आर्सेनाइड और फास्फाइड हो गया। ये तीन क्या हो गए अर्धचालक, हमने क्या किया मिक्सिंग करके बना दिया। और इन तीनों का यूज हम कर सकते हैं, किसी का भी यूज कर सकते हैं इसमें से एक क्या बनाने के लिए, LED बनाने के लिए। और जो LED का क्षेत्रफल होता है वो भी बहुत कम होता है, कितना होता है 1 mm² होता है LED का क्षेत्रफल। अब सोचोगे क्षेत्रफल क्या होता है, LED का मतलब जैसे LED जैसे डायोड जो होता है लगभग इतना बड़ा होता है, जिससे क्या होता है हमें वो निकलता है लाइट। तो वही क्षेत्रफल बता रहा है, कितना क्षेत्रफल होता है 1 mm² होता है। इसकी क्या होता है, इसी प्रकार से ये होता है। तो क्या होता है कि जब इसे हम फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं, जैसे हमने फॉरवर्ड बायस में क्या किया लगाया, जैसे ये डायोड हो गया एक पीएन जंक्शन डायोड हो गया, ये क्या हुआ पी टाइप ही एन टाइप, इसे जब हम फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं लगाते हैं, तो इसमें से क्या होगा कि हम जो फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं तो इसमें से क्या होंगे कि दोनों में रिकॉम्बिनेशन होंगे। आपको पीछे बताया गया है कि रिकॉम्बिनेशन होते हैं इलेक्ट्रॉन का होल से, होल का इलेक्ट्रॉन से, और वहाँ से जो ऊर्जा निकलती हो लाइट के रूप में निकल जाती है। जैसे जो बॉन्ड होते हैं मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो कंडक्शन बॉन्ड से क्या होंगे बैलेंस बॉन्ड में आएंगे। इस मतलब जब ये रिकॉम्बिनेशन होता है इसके दौरान क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बॉन्ड से बैलेंस बॉन्ड में जब आते हैं तो कंडक्शन बॉन्ड ऊपर होता है मतलब वहाँ पर अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे ये क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या है, अगर
जैसे ये गलत हो गया फिगर, ये क्या है कंडक्शन बांड है और ये क्या है बैलेंस बांड है, ये क्या है बैलेंस बांड है। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बांड में होंगे, तभी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होगा। अगर यहाँ पर कंडक्शन बांड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट नहीं फ्लो होगा। तो यहाँ पर जब थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, जैसे वोल्टेज हमने अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं यहाँ से तुरंत अपनी उच्च कक्षा में चले जाते हैं, मतलब कंडक्शन बांड में थोड़ी सी ऊर्जा मिलते ही। और उसके बाद क्या होते हैं 1.-18 सेकंड बाद क्या होते हैं, नहीं 10^-18 सेकंड बाद क्या होते हैं वो फिर से अपने क्या होते हैं बैलेंस बांड में वापसी करते हैं। तो इसे जब अधिक ऊर्जा मिल चुकी है, यहाँ पर कंडक्शन बांड में पहुँच चुके हैं, कंडक्शन बांड में पहुँच कर क्या होंगे करंट को फ्लो कराएंगे। और जब करंट का फ्लो मतलब कुछ देर एक मतलब इलेक्ट्रॉन जब वापस होते हैं 10^-18 सेकंड बाद, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 10^-18 सेकंड बाद वापसी करता है, फिर से वापस जाएगा, आने के बाद फिर चला जाएगा, लेकिन एक बार वापसी करेगा तो यहाँ पर जो अधिक ऊर्जा रहेगी वो ऊर्जा क्या होगा यहाँ से छोड़कर जब नीचे वाली ऊर्जा में आएगा मतलब कम ऊर्जा वाले में, तो ये अपना ऊर्जा छोड़ देगा और ऊर्जा जो छोड़ता वही क्या हो जाता है यहाँ पर लाइट के रूप में बाहर निकल जाता, और लाइट के रूप में बाहर निकल जाता है तो हमें आसानी से क्या होता है यहाँ पर लाइट मिल जाती है और इस लाइट का हम क्या करते हैं यूज कर लेते हैं। और इसका जो ग्राफ है एक सिंपल डायोड की तरह ही होता है, क्या होता है एक सिंपल डायोड की तरह ही होता है। अगर ये यहाँ पर क्या है वोल्टेज और यहाँ पर क्या है करंट, यहाँ पर क्या है ये करंट निगेटिव वोल्टेज, तो ये क्या होता है एक सिंपल डायोड की तरह ही वर्क करता है। और ये रिवर्स बायस में भी ये क्या होता है एक सिंपल डायोड की तरह ही वर्क करता है। इसका क्या होता है जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो बहुत कम होता है। इसका ग्राफ आपको दिख नहीं रहा होगा सॉरी दोस्तों, लेकिन क्या आप दिख रहा होगा आपको विजुअल होगा यहाँ पर, ये जो होगा फॉरवर्ड बायस में क्या होगा एक सिंपल डायोड की तरह वर्क करेगा, जबकि रिवर्स बायस में क्या होगा एक सिंपल डायोड की तरह वर्क करेगा। इसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो भी क्या होता है कम होता है, ज़्यादा अधिक नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका एप्लीकेशन में हम कहाँ यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन जो है हम जैसे विजुअल सिंगल हो गया, इंडक्शन हो गया और डिस्प्ले बोर्ड हो गया, इन सब में डिजिटल वॉच हो गया, कंप्यूटर में हो गया, कैलकुलेटर में हो गया, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में हो गया। लेकिन आप सब सोच रहे होंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाएंगे, जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास लगाएंगे तो उसमें हम आपको सेवन सेगमेंट डिस्प्ले पढ़ाएंगे, जो कि क्या होता है बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में। थैंक यू दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाएंगे फोटो डायोड का।